हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग चले जब से बात करते हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गेन के बारे में रेस्पायरेटरी ऑर्गेन का यूज़ जो होता है सिर्फ रेस्पायरेसन्स करने के लिए यूज किया जाएगा ब्रीथिंग का मैकेनिज्म जो होता है इसे वारी करता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में और ये मेनली जो होता है इसे बेस्ट होते हैं उनके हैविटाट पर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हम यहाँ पर बात करते हैं यदि लवर इन्वर्टिव रेट के बारे में जैसे लवर इन्वर्टिव रेट क्या है तो स्पॉन्ज सिलेंटाटा और फ्लैटफॉर्म तो इनमें जो होता है से ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो होता है से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है बॉडी में सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म के द्वारा और इस सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म जो होते हैं से इनके इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू होते हैं यदि हम बात करते हैं अर्थोम के बारे में तो अर्थोम जो होता है रेस्पायरेशंस करता है मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज़ करके वहीं पे यदि हम बात करते हैं इंसेक्ट के बारे में तो इंसेक्ट जो होता है ट्रैकियल ट्यूब दैट मीन ट्रैकिया का यूज करके रेस्पिरेशंस करता है और ट्रांसपोर्ट करता है एयर को विद इन द बॉडी बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑर्गेन्स होते हैं जैसे गिल्स हो गए लंग्स हो गए स्किन हो गए तो इनके थ्रू जी रिस्पायरेशंस होता है यदि गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशंस होता है तो हम बोलते हैं ब्रांचल रेस्पायरेशन बोलते हैं गिल्स को बोला जाता है कि यह एक स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है स्पेशल स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर गिल्स के लिए शब्द यूज हुआ है तो गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन जो होते हैं से किस में होते हैं तो मोस्टली जो होते हैं से एक्वाटिक आर्थोपोडा और मोलस्का में होता है यानी कि ब्रांचल रेस्पायरेशन एक्वाटिक आर्थोपोडा और मोलस्का में होगा वहीं पे यदि हम बात करते हैं वर्टिब्रेट जैसे फीस है तो फीस भी गिल्स का यूज करता है रेस्पायरेशन्स करने के लिए अगर हम बात करते हैं अब पल्मोनरी रेस्पायरेशंस के बारे में तो पल्मोनरी रेस्पायरेशन जो होता है से लंग्स के थ्रू होता है लंग्स के लिए शब्द यूज किया गया है कि यह एक वेस्कुलराइट बैग है वैस्कुलराइट बैग जो है लंग्स के लिए तो लंग्स के थ्रू अगर रेस्पायरेशंस होगा उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पायरेशंस तो पल्मोनरी रेस्पायरेशन जो होता है से गैस के एक्सचेंज करने के लिए मोस्टली जो होते हैं से टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे यदि हम बात करते हैं वर्टिब्रेट में तो होता है एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स और मामल्स यानी कि एम्फीबियन बर्ड्स रेप्टाइल्स और मामल्स जो होते हैं इनमें जो होता है से रेस्पायरेशन जो होता है से पल्मोनरी रेस्पायरेसंस होता है दैट मीन लंग्स के थ्रू होता है यदि हम बात करते हैं क्यूटेनियस क्यूटेनियस रेस्पायरेशन के बारे में तो एम्फीवियन लाइक जो फ्रोग है फ्रोक जो होता है से रेस्पायरेशन करता है अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू तो हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन यानी कि क्यूटेनियस रेस्पायरेशन जो होता है से स्किन के थ्रू होता है हम यहाँ पे दो शब्द आए हैं गिल्स और लंग्स के लिए गिल्स के लिए हम यूज करेंगे इसके लिए यूज किया गया है वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर स्पेशलाइज वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर तो गिल्स होगा अगर लंग्स के बारे में होगा तो वेस्कुलराइज बैग होगा यानी कि बैग लाइक का स्ट्रक्चर जो होता है से लंग्स होगा थैंक यू